हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस अ पोएम दैट नेम इज अ फोटोग्राफ इन दिस वीडियो। देखिए, कक्षा 11 में ये फर्स्ट पोएम है और ये फर्स्ट पोएम का क्या नाम है? फोटोग्राफ। तो देखिए, जो ये फोटोग्राफ पोएम है, थोड़ा ध्यान देंगे इसमें तो इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छी पोएम है और इसको किसी ने लिखा है? सरले टोनसिन ने लिखा है। ठीक है, तो लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये क्या कहता है इसमें, देखिए पोएट क्या कहते हैं, क्या कहती है इसमें। तो द कबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पेंडिंग। देखिए, इसमें क्या होता है, जो पोएटेस है अर्थात यह कबोर्ड्स का मीन्स क्या होता है, एक गत्ता होता है। वैसे गत्ते का बोर्ड को कबोर्ड कहते हैं, पर यहाँ इसका मीन्स क्या है, यहाँ इसका मीन्स है फोटोग्राफ। तो ये जो कवित्री है, इसमें जो पोएटेस है अर्थात जो ये सरले टोनसिल है, ये क्या कर रही है, ये एक फ़ोटो को देख रही है। ठीक है, फोटो को देख रही है और ये फोटो में क्या कर रही है, वैन टू गर्ल्स कजिन्स वैन पेंटिंग। और ये फोटो में किसकी पिक्चर देख रही है, अपनी माता की और उसकी जो माता की कजिन थी उनकी पिक्चर देख रही है। ठीक है, और पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। जो मेरी मदर की कजिन थी, उन्होंने क्या करा था, मेरी माता का हाथ पकड़े हुए था। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स, सो मतलब जो तीन लड़की थी, दो मेरी मदर की कजिन थी, एक मेरी मदर थी, और ये जो द बिग गर्ल्स आए मदर के लिए आया, तो जो मेरी मदर थी वो क्या थी, उनमें बड़ी थी और वे दोनों छोटी थी। और उस टाइम पे जब ये चित्र देख रही है, तो उस टाइम पे जो फोटो में जो उम्र है उसकी माता की, वो 12 ईयर्स है। ठीक है, वो कितने साल की थी, 12 साल की थी जब का चित्र है। ठीक है, अब देखिए, ऑल थ्री स्टूड्स स्टिल इन स्माइल थ्रो देयर हेयर। देखिए, एट द अंकल विद द कैमरा। देखिए, जो अंकल थे अर्थात जो मेरी मदर के जो चाचा थे, वे क्या है, कैमरे से फोटो खींच रहे थे, कैमरा पकड़े हुए थे, और तीनों का क्या है कि हेयर थ्रो द हेयर, मतलब बालों के बीच में उनकी स्माइल दिखाई दे रही थी, अर्थात बालों को हटा रही होगी, मुस्कुरा रही होंगी जब वे फोटो खींच रहे होंगे, ये था मतलब। अब देखिए आगे क्या कहना चाहता है इसमें, अ स्वीट फेस। फेस कैसा दिखाई दे रहा था चित्र में, कैमरे में स्वीट दिखाई दे रहा था। ठीक है, माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। देखिए, ये जो चित्र है, ये जो फोटो है, ये जब का है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, अर्थात मेरी माता की उम्र ही कुल 12 साल थी, तो मेरा जन्म कहाँ हुआ उस टाइम पे, ऐसे कहना चाहता है ये सरले टोनसिल, कहना चाहती है। एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज लेस्ट वेदर दे आर टेरिबल ट्रांसिस फीट। देखिए, ट्रांजिस कहते हैं नस्वर, अर्थात जो समुद्र है वो तो थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ है, नहीं बदला है, समुद्र तो सेम ही रहता है लगभग, किंतु जो मेरी माता ट्रांजिस फीट है अर्थात जो मेरी माता है वो बदल गई है, क्योंकि नस्वर चीज़ें आदमी बदलता चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे कहना चाहती है। अब देखिए आगे क्या कहना चाहते हैं, सम 20-30 ईयर्स लेटर, अर्थात ये लगभग 20-30 का मतलब 20-30 ईयर बाद की बात है। सीलाफ, अर्थात देखिए, ये जो चित्र पहले जो फोटोग्राफ दिखाया गया जिसमें सरले टोनसिल देख रही है, वो तब का है जब उसकी माता 12 साल की थी। अब वो ये माता है, वो कहना चाह रही कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20-30 साल बाद, सी लाफ्ट एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मीन्स भी फोटोग्राफ होता है और कपबोर्ड का मीन्स भी फोटोग्राफ होता है। देखिए, ये सी जो आया, ये आया मदर के लिए, अर्थात 20-30 साल बाद जो उसकी माता थी, वो भी फोटोग्राफ देख करके क्या हंसती थी। ठीक है, क्या कहती थी, सी बेटी एंड डोली सी वुड से एंड लुक हाउ दे। देखिए, वो कहती, देखो ये बेटी डोली देखो, अर्थात अपनी मौसियों को देखो, उसकी मौसी लगी ये सरले टोनसिल की, ड्रेस्ड एज द फॉर द बीच, कैसे ड्रेस पहने बीच पर घूमने जाते थे, वो अपनी यादें करती है उसको देख करके, चित्र को फोटो को देख करके वो यादें ताज़े करती है भूतकाल की। सीधा हॉलीडे, वो देख, ये कहती थी, देखो हॉलीडे देखो, हम हॉलीडे मनाने बीच पर जा करते, कितना अच्छा लगता था, ऐसे वो देखती है उसको चित्र को और अपनी बेटी को बताती है। वो सर पास्ट माइन हर लाफ टर बोथ वाई विद द लेबर्ड इज टू लॉस। देखिए क्या कहना चाहती है वो, देखिए वो ये चित्र को देख करके, फोटो को देख करके 20-30 साल बाद जब देखती थी, अर्थात जब वो बड़ी हो गई होगी सरले टोनसिल की मदर, तो तब वो देखती होगी, कहती होगी कि देखो हम बीच पर जाते थे हॉलीडे मनाने, कितना अच्छा लगता था। अब ये कहना चाह रहा कि बोथ वेरी वाई द लेबर इज सो, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये क्षति हुई है, अर्थात जो हमारी जो अच्छी यादें थी उसकी जो क्षति हुई है, दोनों के लिए ये सामान्य दिखाई देने का, मतलब दोनों इस कठिनाई से सामान्य दिखाई देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अर्थात
उस जो कठिनाई हो रही है ना उसको देख करके, अच्छी यादों को देख करके जो उनको पीड़ा सी हो रही है, तो उससे वो सामान्य होने सामान्य दिखाई देने का प्रयास करते हैं दोनों के दोनों, ये मतलब है। अब देखिए, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, देखिए अब वो मर चुकी है, अर्थात जो ये सलेट टोनसिल की मदर है वो क्या है, मर चुकी है। एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल्स लिव्ड, और उतने साल हो गए जिस जितने साल की वो लड़की दिखाई देती है उसकी मदर, अर्थात 12 साल उसकी मदर को मरे हुए होगी। एंड ऑफ दिस सरकमटेंस देर इज नथिंग टू से एट ऑल। अब देखिए 12 साल उसकी मदर को मरे हुए की होगी, एंड और सारी जो सरकमस्टेंस है, परिस्थिति है, देर इज नथिंग टू से, अब कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा है, इट्स साइलेंस और साइलेंस, अब कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा है और इसकी खामोशी मुझे खामोश कर देती है, ऐसा वो कहती है। ठीक है, तो ये पोएम पूरी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।